अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल दिलशाद? खैरियत? ठीक, तब ऐसे ठीक है। दिलशाद भी मकान दे रहा क्योंकि ना कहना है 3 साल तो ना वो मकान जरा है सितारा दे ना कहना थिया, क्योंकि जिन्ना कनेगी था से वो तकरीबन 4-5 भिराएं, कोई केरे मोल करा दे कोई केरे, ते वो जिन्ना इकट्ठे थी में ना ना वल असाकू यानी कि ना करते दे में ना एक बंदे देना एक पला वो जरी जगह आई वो कहना आई सारे बिराव देना आई तो वल ऐसा ही सुनो जरा ना मैं उकु सेल कर रहे थे पहले सितारा थे ये ना तो उकु मार के हम कि भाई को सेल कर दूँ क्योंकि ना कड़े ही मैं कहना थी से तो ही वजह से वो पैसे मैं कहने हैं तो सितारा वगैरह मैं यानी कि दस्या कहना आई थोड़े बहुत जरा मिल जाए वो अकाउंट में साढ़े तैन बाकी जरे वो मिलने ठीक है ये चीज़ का है। वाकई को यानी कि इन चीज़ इल्म कहना ही है तो ये मैं तो कुछ समझ पाऊँ। बाकी तो यह कि घर की भी गाल होती है घर दी होती है क्योंकि पैसे मैं गिनते क्या कर सकता वो भी तो घर के भी कम आ सन लिहाजा है कि पैसे कुछ मिले उन्होंने अकाउंट साइटा कुछ मिलने तो यह गाल है ठीक है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो आपने सुन लिया साजिद भाई की वॉइस, जो मैंने बात की, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया और जो कमेंट स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा मुझे पूछ के बताएं, तो मैंने उनको पूछ के जो है ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो, ये सराकी में है, उर्दू में बताने वाला हूँ कि साजिद भाई ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले आपने मेरे वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप किसी और चैनल पर जाके जो झूठ पे मबनी होता है अपनी तरफ से बातें बना के आपको बता रहे होते हैं, तो आप उनकी वीडियो सुनते हैं, और मेरी वीडियो लास्ट तक देख लें तो आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर साजिद भाई ने, जब मैंने सवाल किया कि ये सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, या तो सतारा सिस्टर झूठ बोल रही हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कहा था कि मैंने जो पैसे हैं वो सतारा के अकाउंट में डलवा दिए, जबकि सतारा कहती है मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो साजिद भाई ने कहा कि ये साजिद सतारा के नाम जो मकान वो नहीं था, वो अभी तक उनके नाम नहीं हुआ था, और जो मकान लिया था वो 5 भाई थे, और 5 भाई आउट कंट्री रहते हैं, और वहाँ पर जो है मतलब कि सब इकट्ठे होंगे साइन करेंगे तो मकान सतारा के नाम हो सकता था, वरना नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि ये रोले वाला मकान है किस्म का, इसको ना हम सेल कर देते हैं, तो सतारा ने मुझे इस चीज़ की परमिशन दी हुई थी, जब भी इसका सही रेट लगे इसको आप सेल कर दें। तो जैसे मुझे सही रेट इसका लगा तो मैंने इसको सेल कर दिया, और उसकी जो आधी पेमेंट मुझे मिली थी, जो मैंने रिसीव की थी, वो मैंने सतारा के अकाउंट में डलवा दी, जिसका इल्म सतारा को नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने लाजमी नहीं समझा कि सतारा को बताना चाहिए, क्योंकि घर का मामला है। और आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, सराकी कल्चर में, बाकियों का मुझे नहीं पता, सराकियों में अगर आप किसी के घर में जाके किसी से वाइफ से आप कुछ भी पूछेंगे ज़मीनों के बारे में, या कोई ऐसे ज़मीन के ऊपर जो काश्तकारी करते हैं उनके ऊपर खर्चा आता है, या कोई भी इस तरह की बात आप पूछेंगे, तो उनके मुँह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा कि ये बात मर्दों को पता होगी, क्योंकि जो सराकी में है ये मतलब उनके कल्चर में उनके अंदर आ रहा होता है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं वो मर्दों को पता होते हैं, मर्दों के ऊपर औरतें छोड़ देती हैं, औरतों को मतलब कि बताना जो है वो मर्द लाजमी नहीं समझते। तो ये सराकियों में जो है ये काफ़ी हद तक ये चीज़ है, लेकिन वही चीज़ है कि उन्होंने सेल कर दी, उनकी पेमेंट जो है वो सतारा के अकाउंट में रखवा दी, और सतारा को फ़ोन करके फट से बताने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, मसरूफियात की वजह से या घर का मसला है, जब वो मतलब कि आएंगी या जब भी बात होगी तो उनको बता दिया जाएगा, बताना लाजमी नहीं समझा। और ये इनके घर में नहीं हुआ, हर सराकी के घर में यही होता है। जैसे हम देखते हैं अपने इंडिया में जो रहते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो औरतें घर को संभालती हैं, औरतों के हाथ में पैसा होता है, औरतों के हाथ में ही सारा कुछ होता है, लेकिन सराकी कल्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मर्दों के हाथ में सारा कुछ होता है। मर्द जो है वो अच्छा बुरा समझते हैं, वो नफ़ा जो है नुकसान समझते हैं, और उस चीज़ पर वो फैसला करते हैं, जिसका औरतों की राय वहाँ पर नहीं ली जाती। और जो लोग सराकी मुझे देख रहे हैं तो उन चीज़ उन वो लोग कमेंट में आप लोगों को बता सकते हैं कि सराकियों में यही चलता है, के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, और वो औरत को ऐसी चीज़ें वो शेयर करना जो है मतलब कि एक किस्म का अच्छा नहीं समझता, या जो भी है हमारे सराकी में तो यही चलता है, जो अबू हमारे फैसले लेते हैं तो उनका जो है वो अम्मी को पता नहीं होता कि कितना हमें फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी ज़मीन किसके नाम पर है, कितनी किसके नाम पर है, ये सारी की सारी जो है वो मर्दों के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, वो भी उसका शोहर है, और शोहर को ये हक है, जब उस बीवी ने उनको दिया हुआ है कि आप ये चीज़ सेल करके जो है वो रखना है, मैं जा रही हूँ इस चीज़ को सेल करने, तो उन्होंने सेल कर दिया, उनसे कोई धोखा नहीं किया। बहुत लोग बता रहे हैं कि धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, कोई फ्रॉड धोखा नहीं है, इस चीज़ की परमिशन सतारा ने उनको दी हुई थी, जब भी इसका अच्छा रेट लगे आपने सेल कर देना है, जाने से पहले उन्होंने परमिशन दे के गई थी और उन्होंने सेल कर दिया है।
ठीक है, और उसके पैसे उनके अकाउंट में डलवा दिए हैं। तो बाकी आज की वीडियो में यही कुछ था, मैं आपको यही कहूँगा जो कुछ है हम जो जो उनके अटैच में हैं, जैसे मलिक शहजाद साहब हो गए, मैं हो गया, बाकी जो लोग हैं जो सितारा के या साजिद के मतलब के रबते में हैं, आप उनकी बातों को माना करें, ना कि आप ऐसे लोगों की हेटर जो अपनी तरफ से बातें बना रहे होते हैं, अपनी तरफ से वो कह रहे होते हैं कि मकान सेल कर गया साजिद जो है वो अपने कोसर के नाम करवा गया, ऐसी खबरों के ऊपर आप जो है वो कान ना धरा करें, ऐसी खबरों की वजह से आप सितारा से या किसानी से नफरत नहीं किया करें। तो बाकी देखो मेरा मुसलसल उनके साथ रबता है, एक अच्छा उनके साथ मेरा अपना रिलेशन है साजिद भाई के साथ, उनकी फैमिली के साथ, लेकिन मैंने कभी आके नहीं आप लोगों को बोला कि मेरी घंटों घंटों बात होती है, जैसे दूसरे हेटर आके बोलते हैं हमारी घंटों घंटों तारा से बात होती है, साजिद से बात होती है, ये वो, इस तरह से मुझे ये सारी चीज़ें शौक नहीं है बताने का। मेरी मुसलसल हर बात पर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मेरा वहाँ पर तसल्ली बख्श जो है मैं उनसे जवाब हासिल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, फिर अपने तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ। मैं कभी भी फर्स्ट टाइम मैं साजिद की वॉइस लगा रहा हूँ, मैं इसको भी नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि इनका कोई रबता नहीं है, इनका कोई नहीं है, साजिद के नीचे कमेंट आते हैं वो फेक आइडियाज़ होती हैं, तो मैं कभी भी नहीं कहा कि वो आईडी जो है वो साजिद भाई मेरी वीडियो देखता है कमेंट करता है, मुझे कभी भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। जो लोग मुझे अच्छा समझते हैं, जो लोग मुझ पर इतमाद करते हैं, वो मेरी बातों पर भी इतमाद करते हैं, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करें। बाकी नेक्स्ट जो भी न्यूज़ होगी, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, उसका जो रियल में चीज़ होगी, जो हकीकत होगी, मैं आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। तो इसलिए आपका भी हक बनता है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी न्यूज़ होगी, जो भी खबर होगी, इंशाल्लाह सबसे पहले हम अपने चैनल पे रखेंगे।